हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए बेहतरीन न्यूज़ है, आपका इंतज़ार फाइनली खत्म हो गया है। एग्जाम का शेड्यूल आ गया है और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो आई है ग्रुप एक और दो की, लेकिन ग्रुप 56-57 की लिस्ट कैसे बनेगी उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा देखने के बाद। तो आप थोड़ा सा समझना इस वीडियो को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में रिजल्ट के सेक्शन में आपको ये लिस्ट मिलेगी। रहा, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ तो ये लिस्ट भी मैंने डाल दिया, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ पे पहला ही नोटिस है, शॉर्ट लिस्ट 4/2024 के लिए, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप एक और दो, ये है जेई के लिए। लेकिन 56-57 वाले भी ध्यान से देख लेना भाई। एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जाम किसना, रिटर्न एग्जामिनेशन। देखो देखो भाई, शॉर्ट लिस्ट किया गया है ग्रुप एक और दो को, इसमें ध्यान से देना क्या चीज इन्होंने नई की है की बार। देखो सबसे पहले बात, जो पहला पैराग्राफ है ना, पहला वाला, इसमें एक चीज देखने की, इसमें लिखा गया है कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट 3 टाइम्स। यहाँ पे देखो 3 टाइम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। पूरी सुनना बात को अभी नहीं, द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, एडवर्टाइज पोस्ट इन वेरियस कैटेगरी ग्रुप एक और दो इस गिवन बिलो। 3 गुना बच्चों को तो नीचे दिखा दिया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट 1 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इन वेरियस कैटेगरी ग्रुप एक दो शैल बी पब्लिश इन द मेन टाइम। यानी कि एक जो 1 टाइम बची शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, 4 गुना करने होते हैं, 3 गुना कर दिए, 1 गुना और बचा वो करेंगे थोड़ा सा बाद में। क्यों? क्योंकि द कैंडिडेट मे रेज देयर ग्रीवेंस इफ एनी बाई विजिटिंग द लिंक शॉर्ट लिस्ट ग्रीवेंस। ये लिंक दे रखा है, अगर आपको कोई इस पे ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखो ये वाला क्लिक मैं करूँगा अगर यहाँ से, तो यहाँ पे नई एक वो खुल जाएगी। देखो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एक गूगल फॉर्म है ये, वहाँ से आपको लॉगिन करना है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं तो आपको बताने के लिए सिर्फ। यहाँ से लिंक करके 1/8/2024 रात बजे, यानी कि कल 12 बजे तक आपको कोई भी ग्रीवेंस है इस शॉर्ट लिस्ट से रिलेटेड तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद लिंक हो जाएगा डिसेबल, उसके बाद आएगी फिर बची हुई 1 गुणा की लिस्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम जो होगा आपका, ये देखो डेट दे दी है, फॉर फर्दर दिस इज द फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट ऑन 7/8/2024 फॉर ग्रुप 1 और 8/8/2024 फॉर ग्रुप 2। और अब ग्रुप 56 और 57 वाले सुन लेना, इसके बाद जो अगला आएगा ना 14 तारीख और 15 तारीख, इनको आपका ग्रुप 56-57 का होने वाला है अगले सैटरडे संडे को। एक दिन ग्रुप 56 का, एक दिन ग्रुप 57 का लिख के ले लेना भाई, तैयारी कर लेना, आपके पास टाइम इतना ही है बस। 14 और 15 या जो भी आपका सैटरडे संडे बनता है वो देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही बनेगा। तो 7 का तो संडे, 8 का मंडे है, तो फिर बनेगा ये आपका वही 14 और 15 का, अगर ये मंडे और संडे और मंडे को लेते हैं, और अगर ये सैटरडे संडे को लेते हैं तो फिर एक पेपर आपका 13 अगर एक 14 का, इनमें से मान लेना 13, 14, 15 में से आपका 56 और 57 का हो जाएगा। और उसकी लिस्ट भी आपकी लगभग 1 सप्ताह पहले आ गई, यानी कि एग्जाम होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और इवनिंग शिफ्ट में होगा सबका, ये देखो इवनिंग शिफ्ट इन पंचकुला, केवल पंचकुला में पेपर होगा सभी का, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब देखने वाली बात है यहाँ पे जो पोस्ट वाइज की बात हो रही थी भाई, पोस्ट वाइज कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी वैसे तो, वो फिर मैंने उसको पब्लिश वो हटा दिया था, अनलिस्ट कर दिया था, उसमें मैंने कट ऑफ बताई थी जेई की। जिस भाई ने उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया हो ना तो देख लो, कट ऑफ वहीं आ रही है। कुछ को कह रहा था इतनी कैसे चली जाएगी, पिछली भी नहीं, पिछली 61 पे थी, 62 पे थी। फिर मैंने ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन आया तो फिर मैंने वो वीडियो हटा दी कि भाई गलत बन गई, लेकिन अब देख लो पोस्ट वाइज में कट ऑफ वही आ रही है। लेकिन मैंने ग्रुप वाइज बनाई थी, लेकिन घूम फिर के आपकी किस्मत ऐसी वही आ गई। देखो इसमें देखो, एग्रीकल्चर में सेक्शन ऑफिसर सिविल में 74.69 कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ ये दे दी इसमें इतनी है जनरल की। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल डीवीएस वीएपीएन में 73 कट ऑफ है, अनरिजर्व डिसेबल ईएसएम डीडीएसएम अनरिजर्व ईएसएम, ये यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ इन्होंने दिखाई है। अब इसमें ये नहीं पता चला ये जो कैंडिडेट है ये सारे ईएसएम है या इनमें से कोई डीएसएम भी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, एससी, एससी का डीएसएम, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डीएसएम को कोई पोस्ट नहीं मिली है, यहाँ पे दी गई है डीएसएम तो यहाँ पे डीएसएम ही आता, एससी में किसी ईएसएम को पोस्ट नहीं मिली, एलिजिबल वो शायद नहीं होंगे इसमें। अब ये किस तरीके से कड़ी गई है, एच जो पॉइंट था जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ था, एच पॉइंट,
उसके ऊपर फॉलो हुआ नहीं हुआ, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, बाद में पता चल जाएगा आपको। लेकिन पोस्ट वाइज देखो, हर पोस्ट की अलग कट ऑफ है भाई, हर पोस्ट की। डेवलपमेंट पंचायत का जूनियर इंजीनियर 62 पे है, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा थी। ये देखो इस तरीके से, अनरिजर्व ESM, DDSM, ESM, DSM, DFF, इस तरीके से है। इसमें पोस्ट ज़्यादा होगी इसलिए यहाँ पे ले लिया गया सभी को, क्योंकि देखो 39 नंबर तक ESM बस इतने थे, उसके बाद DSM, उसके बाद DFF ले लिए। तो ये मेरे हिसाब से एच पॉइंट है, फॉलो नहीं किया, प्रायोरिटी दी गई है इसमें। तो अब ये एक और दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। EWS, BCA, BCA में DDSM, ESM, BCA, DSM, BCB, BCB में देखो कट ऑफ, DSM, ESM, DSM, ये DDSM और ये DFF। ये SC का है, SC में DSM, DFF, OH, VH, ये सारी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी गई है। अब इस तरीके से कट ऑफ आप देख लेना, आपको कुछ रोल नंबर रिपीट भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ रोल नंबर रिपीट मिलेंगे, जैसे 1338 है, चेक कर लो एक बार रिपीट है कि नहीं है। अब देखो जैसे पहला ये रजिस्ट्रेशन नंबर है एक, ये 1338 है। अब मैं देखो ये कहाँ कहाँ पे, देखो ये जूनियर इंजीनियर कैटेगरी नंबर 11 में पब्लिक हेल्थ वाले में है, तो इसके बाद यहाँ देखो जूनियर इंजीनियर पंचायत में भी 1338, यानी कि ये बच्चा रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखो ये रहा PWD में भी है यही बच्चा, यानी कि यही कहानी है आपकी, 56-57 में होगी, एक बच्चा रिपीट होगा हर जगह। ये देखो टाउन कंट्री प्लानिंग में भी है 1338 वाला, अर्बन लोकल बॉडीज में भी 1338 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लास्ट, यानी कि एक बंदा 5 जगह रिपीट हो रहा है। और यह तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। तो यानी कि पोस्ट वाइज का मतलब है बच्चे को रिपीट किया गया। अब कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे बताया गया है आपके ग्रीवेंस डालनी, इस लिंक से ग्रीवेंस डाल देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिंक। और यहाँ पे अब कुछ को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, उनका रीजन देखो क्या दिया है। जैसे ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर लगा, रोल नंबर लगा लो, इसमें क्या लिखा, BCA नॉन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट। अब इसकी कट ऑफ डेट क्या माननी है, 1/4/2022, ठीक है, बिलो द कट ऑफ इन जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल से का कम थी और वैसे क्रिमिनल एयर से बाहर जा रहा था। कैंडिडेट नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये बंदा है, ये क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाया, ठीक है, वही BCB नॉन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट पुराना 1/4/2022 लिखा है इसमें। हरियाणा पुलिस में 1/1/2023 था, क्योंकि वो भर्ती बाद में आई थी, ये पहले क्या आई हुई थी। तो कट ऑफ डेट भी वही मानी इन्होंने, पहले वाली जो पहला फॉर्म भरा था, कट ऑफ डेट वही माननी है। अब भी देखो ये देखो डेट, ये कुछ ESM, डेट ऑफ डिस्चार्ज बिफोर 4 ईयर एवरेज इन जनरल कैटेगरी, डेट ऑफ डिस्चार्ज बिफोर 4 ईयर एवरेज इन जनरल कैटेगरी, इस तरीके से इन्होंने मानना है इस चीज को भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक रिमार्क्स डाला है। अब इसके ऊपर किसी को आपत्ति है तो वो भाई रेज कर सकते हैं अपना ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और इस PDF में भी दे रखा है, तो वो आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हो। अब बाकी इसके ऊपर आपका कोई है ऑब्जेक्शन तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे अपना ग्रुप खोल दूंगा, उसमें आप बात कर सकते हो क्या कुछ इशू है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। आपका एग्जाम 7 और 8 अगस्त को, और 56-57 का मान के चलो आप, 13, 14, 15 में से 2 दिन किसी भी दिन हो सकता है। थैंक यू।